गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं भिंडी की बहुत ही अच्छी मसालेदार सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पाव 250 ग्राम भिंडी लिया, जो कि मैंने इस तरह से कट कर लिया है इसको। और मैंने यहाँ 2 से 3 टमाटर लिए, जो को उसको भी मैंने कट कर लिया है। और मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, जो को मैंने ऐसे स्लाइसेज में इसको कट कर लिया। और जो बाकी बचे हुए थे, इसमें मैंने प्याज को बहुत छोटे छोटे रफली कट करके 6 से 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं और 2 से 3 मिर्च हैं, इसको भी मैंने लिया। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाऊंगी अपनी और इस भिंडी को तलूंगी। गैस मैं कढ़ाई पे यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसको गर्म होने का वेट करूंगी मैं। गैस ये हमारा तेल जो है गर्म हो गया। अब मैं इसमें भिंडियों को डालकर इसको हल्का फ्राई करूंगी और गैस को मीडियम ही रखूंगी मैं। इसमें से 1 से 2 मिनट और फ्राई करूंगी और टोटल मिला के 5 मिनट तक आप इस भिंडी को फ्राई कर लीजिएगा तेल में। गाइस अब इन भिंडी को निकाल लूंगी इस प्लेट में, क्योंकि हमारी ये भिंडी जो है तल गई है। इसी तेल में जो मैंने प्याज के जो बड़े बड़े क्यूब्स काटे थे, इसको भी तलूंगी। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही तलूंगी, इससे ज़्यादा नहीं तलूंगी, कि जैसे कि इसका जो कच्चापन है वो बस निकल जाए। तो मैं जल्दी से फ्राई करूँगी और 1 मिनट के अंदर ही मैं इसको प्लेट में निकाल भी दूँगी। अब मैं इधर प्लेट में निकाल भी ले रही हूँ, क्योंकि इसका बस कच्चापन मुझे निकालना है। मैंने ये प्याज और अपनी भिंडी को अच्छे से तल लिया है। अब मैं ये जो और जो प्याज थे, अब मैं इनको मिक्सी जार में ट्रांसफर करके इनको पीस लूंगी। गाइस देखिए, पीसने के बाद कुछ ये ऐसे दिखेगा। गाइस मैं उसी तेल में जो हमने भिंडी और प्याज तलने के लिए यूज किया था, उसी में मैं अब ये 2 तेज पत्ते ऐड करूंगी, उसको भी फ्राई कर। गाइस ये सब्जी जो बहुत ही कम तेल में बहुत ही जल्दी बनने वाली है सब्जी है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को भी खाने में बहुत पसंद आती है। ये हमारा जो तेज पत्ता है वो भी पक गया है। अब मैं इसी में जो मैंने ये प्याज और लहसुन और मिर्च जो पीसा था उसको ऐड कर दूंगी। तेल अच्छे से ना छोड़ेंगे। गाइस ये देखिए जो हमारे प्याज है वो पक गई है। अब मैं इसमें अपने मसालों को ऐड करूंगी। गाइस यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर। और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं गर्म मसाला यूज करूंगी। बहुत थोड़ा सा, जैसे हमारे जो मसाले इसमें अच्छे से पक जाए। अब मैंने इसे तब तक पकाऊंगी जब तक हमारे मसाले भी तेल ना छोड़ दें। आप जब भी मसाले डालिएगा उसमें थोड़ा सा पानी ऐड जरूर करिएगा, मसाले जो है वो तेल छोड़ने लगे हैं। अब मैं इसी में ये जो हमारा टमाटर था उनको ऐड करूंगी, तो मैं इसमें मिक्स करके इसमें नमक ऐड करूंगी। अब मैं 1 टेबल स्पून नमक यूज कर रही है, करिए आप अपने स्वाद अनुसार, यहाँ पे नमक जैसा भी आप खाते हो वैसा ऐड करिए। मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमारे टमाटर को गलने का वेट करूंगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी जैसे हमारे जो टमाटर है जल्दी पक जाए, और जो फ्लेम है गैस की उसको मीडियम ही रखूंगी। और जब आप मसाले भूंजिएगा तो जो फ्लेम है उसको लो मीडियम में रखिएगा, इससे हमारे मसाले जो है जलेंगे नहीं। इसे मैं गैस थोड़ी 2 से 3 मिनट के लिए ढकूंगी, जिससे हमारे टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे। गैस अब मैं प्लेट को हटाऊंगी, देखूंगी हमारे टमाटर गले हैं कि नहीं। गैस ये मसालों की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब ये सब्जी जरूर एक बार घर में बना के जरूर ट्राई करिएगा, इस तरह से
बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मसाले भी बहुत कम यूज होते हैं इसमें। अब मैं इसी के साथ साथ ये जो हमारी भिंडी थी उसको ऐड करूंगी इसमें। अपने मसालों के साथ अपनी भिंडी को भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जैसे कि जो हमारे मसाले हैं भिंडी में अच्छे से आ जाए। देखा इस कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में। इसे मैं कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे पकाऊंगी, जिससे हमारे जो मसाले अच्छे से भिंडी में आ जाए। इसी के साथ साथ इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, बहुत ही थोड़ा सा। खा लीजिए, आधी ग्लास के बराबर आप पानी इसमें ऐड करिएगा। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज को तला था वो भी मैं इसको ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए गाइस हमारी सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। आप इस तरह से ज़रूर घर में एक बार बना के ट्राई करिए, ये बहुत ही जल्दी बनती है। अब मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सब्जी आप कैसी बनी है। अब मैं इसे 1 मिनट तक और पकाऊंगी, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और हमारी सब्जी खाने के लिए तैयार है। गाइस हमारी जो सब्जी है बन गया, मैं इसके फ्लेम को बंद कर दूंगी और एक कटोरी में इसको सर्व करूंगी। ये देखिए गाइस कितनी टेस्टी लग रही है हमारी सब्जी। आप इसे चावल रोटी के साथ अच्छे से एंजॉय करें, पराठों के साथ एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। गाइस इसी तरह मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।